अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राना जी फूड सीकर्स। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रही हैं, मेरा खुद का एक कुकिंग चैनल है और मैंने इसका कैसे नेम चूज़ किया और किसी भी कुकिंग चैनल का नेम हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो आपको इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपने चैनल का नेम चूज़ करना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका चैनल इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपका जो चैनल है वो सर्च में भी आएगा और आपका चैनल इंशाल्लाह इंशाल्लाह वायरल भी होगा और आपकी वीडियोस भी देखी जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अगर अपने चैनल का नेम चूज़ करना है, आपने जो भी नेम रखना है, आपने उसे पहले सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है आया कि यूट्यूब पर उस नेम से पहले से चैनल मौजूद है या नहीं है। सबसे अहम बात, आपके YouTube चैनल का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। सबसे अहम बात जो है वो आपके YouTube चैनल का नेम यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब ये है कि आपका जो YouTube चैनल है उस नेम से पहले YouTube पे कोई भी चैनल मौजूद ना हो, फिर ही आपका चैनल वायरल होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले YouTube के सर्च बॉक्स में जाना है। आप कोई भी नाम रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं, आपने इधर जाके सर्च कर लेना है। जैसा कि मैं रखना चाह रही थी अपने चैनल का नाम फूड SCCRETS। तो आप देख सकते हैं इस नेम से कोई चैनल नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप फिल्टर में जाएं, यहाँ से टाइप के ऑप्शन में जाएं और उसके बाद आप चैनल के ऑप्शन में जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस नेम से कोई चैनल नहीं था, तो मैंने अपना चैनल बना लिया और इन अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा चैनल टॉप पे है, आप देख सकते हैं। और यही कुछ ऐसी टिप्स एंड अगर फॉर एग्जाम्पल आप रख लेते हैं अपने चैनल का नाम कुकिंग, आपका कोई भी नेम है कुकिंग विद, आप जो भी रखना चाहते हैं, ये देखिए कुकिंग विद आमना, इतने ज़्यादा नेम है, इस तरह से आपका चैनल वायरल नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने कुकिंग विद के नेम से चैनल बनाया हुआ है। आपने अपने चैनल का नेम यूनिक रखना है और इससे ही आपके चैनल के वायरल होने के चांसेस हैं। ये मैंने बहुत थोड़े टाइम पहले चैनल बनाया था और अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छा जा रहा है। और यही थी एक अहम बात जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको किसी और टॉपिक पे मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।